Good morning, students. Okay, let us start the sixth standard GK. Okay, six chapters we have completed. Now we will start the chapter number 7, World of Science. Now take out your books, page number 14. Okay, this is your book, page number 14. All of you, open the book. What would we do without the electric bulb? अगर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं होता तो हम क्या करते? देखो आज रात को कितनी अंधेरा हो जाता है, अगर बल्ब ना होता तो सोचो, इमेजिन करो. हाउ वुड इट बी विदाउट टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड लेज़र बीम्स? लेज़र बीम ना हो, कंप्यूटर ना हो और टेलीविज़न ना हो, तो इन सब के बिना ज़िंदगी कैसी होगी? Inventors and inventions are an integral part of lives. हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट माने बिल्कुल जुड़ा हुआ पार्ट है. वो कौन कौन से हैं? इन्वेंटर, खोजने वाले. इन्वेंशंस, क्या उन्होंने खोजा, ठीक है ना. आइडेंटिफाई दीज इन्वेंटर्स यूजिंग द क्लू गिवन, मैच द फोटो. देखिए आपको यहाँ पे क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 हेल्प बॉक्स दिया हुआ है और उसके अंदर आपको क्या करना है, सॉरी, उन सबके नाम लिखने हैं. सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आइडेंटिफाइज दीज इन्वेंटर. तो सबसे पहला, फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका, चार्ल्स डार्विन. चार्ल्स डार्विन. सेकेंड नंबर अगर अपन देखते हैं, ये है थॉमस एडिसन. देखिए थर्ड नंबर पे ये आपको दिख रहा है निकोलस कॉपरनिकस. निकोलस कॉपरनिकस. फोर्थ नंबर पे देखिए ये अल्बर्ट आइंस्टीन. एंड लास्ट आपका फिफ्थ देखिए मैरी क्यूरी. ओके, नाउ वी हैव रिटन ऑल द नेम्स. पहला आपका चार्ल्स डार्विन है, दूसरा आपका थॉमस एडिसन है, थर्ड आपका निकोलस कॉपरनिकस है, अल्बर्ट आइंस्टीन फोर्थ नंबर पे है एंड मैरी क्यूरी ऑन फिफ्थ नंबर. ई मीन्स यू कैन गिव द नंबरिंग. एक मिनट, ए बी सी डी एंड दिस इज ई. ओके, तो अब आपका क्या है क्लूज. द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड ऑल द प्लैनेट्स ऑर्बिट अराउंड इट. सन क्या है, आपके सेंटर, सोलर सिस्टम का केंद्र है एंड ऑल प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स है वो सारे इसके चारों तरफ चक्कर काटते हैं. तो ये कौन है, ये आविष्कार किसने किया था, निकोलस कॉपरनिकस ने. तो पहले का क्या आ जाएगा, आप फर्स्ट जो आंसर है उसका आंसर क्या आ जाएगा, सी, निकोलस कॉपरनिकस. सेकंड है इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट, इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट को इन्वेंट किया टू मीजर रेडियो एक्टिविटी. रेडियो एक्टिविटी को मीजर करने के लिए इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था विद हर हस्बैंड, प्यारे अपने हस्बैंड प्यारे के साथ में. शी डिस्कवर्ड इट द एलिमेंट रेडियम, इन्होंने रेडियम को भी डिस्कवर किया था. ये कौन था, मैरी क्यूरी, यानी इसका आंसर आ जाएगा ई पे, देखिए आपका मैरी क्यूरी. थर्ड नंबर पे चलिए, रिवॉल्यूशनरी आइडिया
that plants and animals evolve over time by a process called natural selection. रिवॉल्यूशन एक क्रांतिकारी आइडिया था इनके पास में कि प्लांट्स और एनिमल्स इवॉल्व हो जाते हैं ओवर टाइम पे एंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सेलेक्शन. नेचुरल सेलेक्शन के द्वारा वो इवॉल्व हो जाते हैं. ये किसने दिया था? ये दिया था चार्ल्स डार्विन, यानी कि जो फर्स्ट नंबर की फोटो है आपकी, दैट इज द चार्ल्स डार्विन. फाइव नंबर पे आप, फोर्थ नंबर पे आइए, पेटेंटेड. पेटेंटेड का मतलब क्या होता है? रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड कर देना ओवर 1000 इन्वेंशंस. कितने? 1000 इन्वेंशंस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब, जिसमें इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब भी था. कौन कौन था जिसने इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का किया था? एल्बर्ट आइंस्टीन. डी एल्बर्ट आइंस्टीन. एंड फाइव नंबर पे चलिए, रिवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स. फिजिक्स का रिवोल्यूशन करा था इन्होंने, रिवोल्यूशनाइज कर दिया उसको, पूरी क्रांति ला दी उनमें. इन द 20th सेंचुरी कॉल द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन ऑफ द 20th सेंचुरी. 20वीं शताब्दी का सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी कहला था थॉमस एडिसन. यानी कि थॉमस एडिसन कौन से नंबर पे है? आपका है बी. तो बेटा जी आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि जहाँ मैंने बी सी ए डी ई बी लिखा है वहाँ पे आपको इन सब के नाम लिखना है और क्लूज है वो इस तरह से. मतलब आपको क्या करना है, जैसे फर्स्ट लाइन आप लिखेंगे द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द ऑल द प्लेनेट्स ऑर्बिट अराउंड इट. ये लिख दिया, डैश करके आप लिखेंगे क्या आपका आंसर है. निकोलस कॉपरनिकस वो लिखेंगे. वेन After that, leave one line blank and start second invention and instrument. और इस तरह से process आपका चलता रहेगा. तो now we have completed the chapter number 7. Okay, tomorrow we will start the chapter number 8.